लोकसभा चुनाव का रण है, हर बीतते दिन के साथ ये और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। हर ओर प्रचार का शोर गूंज रहा है और नेता एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं और विरोधियों पर करारा वार कर रहे हैं। और इस बीच बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर जुड़ी है बिहार की सियासत से जुड़े दो बड़े चेहरों से। उनके बीच हुई डील को लेकर खुलासे से ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है और बड़ी खबर ये है कि वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी ने साफ किया है कि जो डील हुई है वो विधानसभा के लिए है और इसके तहत 2025 में अगर तेजस्वी सीएम बनेंगे तो सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में एक नाम उभर कर आता है, मुकेश सहनी का। हालांकि ये नाम पिछले 10 साल से बिहार के अलग अलग गठबंधन में शामिल रहा है। संभव है पिछले 5 साल में आपने मुकेश सहनी का नाम ना सुना हो, लेकिन अचानक मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक में शामिल हुए और 3 सीटें लेने में कामयाब हुए हैं। मैं इस वक्त मुकेश सहनी का नाम या उनका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनके घर में मौजूद हूँ और 3 सीटों पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आपको मैं मुकेश सहनी को दिखाऊं, ये सुंदर सा घर। और ये मुकेश सहनी इन दिनों लगातार तेवर दिखा रहे हैं और जिन्होंने रैली भी की है तेजस्वी के साथ, आपने सभा भी की। बातचीत आपसे शुरुआत करूं, सबसे पहले ये सवाल कि आप एनडीए के साथ भी रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ मतलब महागठबंधन के साथ भी आप रहे हुए हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जब भी आपका जिक्र होता है और जो तस्वीर निकल कर सामने आती है लोगों के जहन में वो वही तस्वीर है कि आप अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर उठ गए थे और आपने कहा कि आपके पीठ में छुरा घोंपा गया है और उसी दल के साथ आप एक बार फिर से चुनाव लड़े हैं और 3-3 सीट एक बार फिर आप तैयारी में हैं, ऐसा क्या हुआ? 2019 में महागठबंधन के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद निर्णय लिया कि साथ में आगे दो स्टेट इलेक्शन 2020 के लिए भी हम लोग साथ में लड़ेंगे और साथ में हम लोग काम कर रहे थे। 2020 में आपने देखा कि गठबंधन का सीट का घोषणा हुआ और उस समय में घोषणा सभी दल का होना था, सभी पार्टी का हुआ लेकिन वीआईपी पार्टी का नहीं हुआ। मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा और मैं इमीडिएटली रिएक्ट किया इस बात पे कि हमारे साथ धोखा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे पीठ का में खंजर भोंका गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी ये जो डील हुई है महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ, ये इस लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए हुई है ताकि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी अगर सीएम पद पे होते हैं तो मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट किया जाए डिप्टी सीएम के लिए, क्या ये सच? निश्चित तौर पे, और ये अच्छा भी है ना, ये डील बुरा तो नहीं है, ये डील बुरा नहीं है। तेजस्वी जी ने तो सीधा क्लियर किया ना कि सिर्फ 2024 के लिए हम लोग गठबंधन नहीं कर रहे, 2025 के लिए भी कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप कह रहे हैं एबीपी न्यूज पर। नहीं, ये तो पहले से ही डिमांड है हमारी पार्टी का, 2020 में भी यही डिमांड था और डिप्टी सीएम और देने के लिए भी तैयार थे उस समय में भी और आज भी तैयार है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, इसमें 1% भी आगे पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव में आप इस बार 3 सीटों पर लड़ रहे हैं, सीधा सवाल तो पहला यह है कि क्या मुकेश सहनी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? नहीं, इस बार मैंने निर्णय लिया है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के अन्य साथी हैं वो चुनाव लड़ेंगे और हमें 40 के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव अपने आप को मानना है कि हम लड़ रहे हैं जी। जो 3 सीटें आपको दी गई है उन सीटों पर महागठबंधन के जीतने के आसार सबसे कम है, आप वैशाली मांग रहे थे लेकिन वैशाली सीट आपको नहीं मिली, ये तीनों सीट दे करके बस कहते हैं कि आरजेडी ने बस अपना कोटा पूरा किया, औपचारिकता निभाई है, क्या ये सच है? सारे सीट अहम है और सब सीट का लक्ष्य है जीतना, कोई सीट अच्छा बुरा नहीं होता है, वहाँ पे हमें अच्छे पॉलिसी के साथ लड़ना होता है। 2019 का जो रिजल्ट अगर आप देखेंगे, स्वीप, क्लीन स्वीप था, इस बार 400 पार की बात हो रही है, लोग कह रहे कि एक तरफा मैच है, तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी जो कि दोनों तरफ रह चुके हैं, आपने महागठबंधन के साथ जाने का रिस्क क्यों लिया? नहीं देखिए, हमारे इसको रिस्क नहीं कह सकते, तानाशाह वाला सरकार है अभी, वो गरीब जनता की बात को नहीं सुन रहे, दबाया जा रहा है, काम नहीं कुछ किए हैं, लोगों के बीच में अपनी जो चीज़ को छुपाना है, विपक्ष को टारगेट करना इस तरीके से कर रहा है, बल प्रयोग कर रहा है, अपनी ताकत मसल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, अपने पैसा पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे जगह पे हमारे पास विकल्प क्या है? संघर्ष करना। अभी हम जो उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं वो उद्देश्य ही पूरा ना हो तो फिर किसी के साथ काम क्या करना है? हमारी लड़ाई आरक्षण दिलाना,
निषाद को रिजर्वेशन दिलाना, अगर वो मोदी जी 10 साल उसके पीछे घूम घूम के थक गए, वो आरक्षण ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके पीछे रहना क्यों है? हम फिर नया जगह ढूंढेंगे ना कि भाई हम वहाँ पे काम करेंगे, शायद वो कल हमारे लोगों को रिजर्वेशन कर दे। तो मेरे पास यही, इसके अलावा विकल्प नहीं है। चलते चलते एक सवाल है, पूर्णिया में इस बार पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी का विलय का ऐलान भी किया, और इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें? नहीं देखिए, हाँ तो मैं यही कहूँगा पप्पू जी से कि भाई वो कांग्रेस के साथ पहले तो गए, कांग्रेस ज्वाइन किए कि नहीं किए मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना था कि पार्टी विलय किए हैं और कांग्रेस को जितना सीट मिलना चाहिए उतना सीट उनको मिला, कांग्रेस के सहमति से मिला, सीट सिलेक्शन भी उनके सहमति से हुआ, उसमें वो पूर्णिया नहीं है। तो अगर आप राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं, प्रियंका जी को पसंद कर रहे हैं, तो आपको उनके जिताने के लिए काम कीजिए, वो भी एक सीट जो आप लड़िएगा, तो निश्चित तौर पे नुकसान इंडिया गठबंधन को ही दिख रहा है, तो उस जगह पे विचार कीजिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपने सहयोगी अजीत गुप्ता के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।